तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग दीपक जी के साथ हम शुरू कर रहे हैं। दीपक जी, आपने से सेलफोन से ज्वाइन किया है तो आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तो मैं रिकॉर्ड कर। सबसे पहले जानिए कि वीवीए को इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या क्या यूज करना हो, वीवीए यूज करने क्या क्या प्रिपरेशन करनी हो। सबसे पहले कि आपके पास डेवलपर का टैब, अब डेवलपर टैब डिफॉल्ट सिस्टम में होता माने कि एक्टिव नहीं होता है, तो आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद कस्टमाइज रीजन आपको दिखेगा। इस कस्टमाइज रीजन में आपको डेवलपर टाइप दिखेगा, इसको क्लिक कर दीजिए, अनचेक कर दीजिए। चलिए अनचेक होगा, चेक कर दीजिए तो आपके पास डेवलपर टाइप आ जाएगा। अब डेवलपर टाइप की जरूरत क्यों होती है? सर, वीवीए की जो एडिटर होती है, जो विजुअल बेसिक यहाँ दिख रहे हैं, इसकी नेविगेशन करने के लिए, राइट। इस पर क्लिक करके आप जाओगे जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम आते हैं माइक्रो की एक और दूसरी प्रिपरेशन पे। दूसरा होता है माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना। आपको माइक्रो के सिक्योरिटी को भी अनेबल करना होगा। देखिए, बाय डिफॉल्ट डिसेबल विद नोटिफिकेशन होता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम फाइल खोलेंगे तो आपको अनेबल डिसेबल माइक्रो का पॉपअप आएगा। अब ये पॉपअप थोड़ी सी परेशान करती है, आपकी इवेंट माइक्रो वगैरह को चलने नहीं देती है, इसलिए इस चीज का ध्यान आप रखेंगे कि आप माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कर ले। तीसरा जो आता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जिस फाइल में आप माइक्रो लगा रहे हैं उस फाइल को सेव करना। किस में? माइक्रो अनेबल वर्कबुक। देखिए, डिफॉल्ट जो आपकी फाइल सेव होती है वो एक्सेल वर्कबुक में सेव होती है। किस में सेव होती है? एक्सेल वर्कबुक में। तो एक्सेल वर्कबुक आपके माइक्रो को कभी कैरी नहीं करता है। एक्सेल वर्कबुक क्या नहीं करता है? आपके माइक्रो को कैरी नहीं करता है। तो इसलिए आप जो है माइक्रो को सेव करेंगे हमेशा माइक्रो अनेबल वर्कबुक। अब यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत और आती है कि जब अनेबल माइक्रो सिक्योरिटी करते हैं तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है नॉट रिकमेंडेड, पोटेंशियल डेंजर कोड कैन रन। समझ गया सर? तो कैसे पता चलेगा कि अगर आप अनेबल कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अनवांटेड लोगों की फाइल को ओपन ना करें। अब अनवांटेड लोगों की फाइल कैसे पता चलेगी इसमें माइक्रो है या नहीं? देखिए, फाइल कई से टाइप होते हैं। अब देखिए, इस तरह के फाइल टाइप, फाइल का आइकन आएगा जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सलेस एक्स, मतलब ये नॉर्मल एक्सेल फाइल। तो इसमें वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग नहीं होता, क्योंकि ये माइक्रो डिसेबल। इस पे कर्सर ले जाते देखेंगे इसका एक्सटेंशन, पता चलेगा ये माइक्रो अनेबल वर्कबुक है। ठीक है सर, सॉरी, माइक्रो डिसेबल वर्कबुक है, एक्सेल वर्कशीट है, इसमें माइक्रो नहीं होता है। तो इस फाइल को आप धड़ल्ले से ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस तरह का आइकन आया तो ये होता है क्या बोलते हैं उसको, सीएसवी फॉर्मेट होता है। तो इसको भी आप धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का फाइल आती है जिसमें एक इस तरह का एक्सटेंशन होता है आपके सामने, मान लीजिए कि इस तरह का चीज दिख रहा है, ये आइकन जो दिख रहा है, इस तरह का एक एक्सप्रेशन मार्क लगा है, इसको बोलता है माइक्रो अनेबल वर्कबुक। अब ये फाइल आया है तो इसमें अब गारंटी नहीं कि इसके अंदर माइक्रो होगा, लेकिन माइक्रो भी हो सकता है, क्योंकि ये माइक्रो भी यूज करता है। तो माइक्रो अनेबल वर्कबुक जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सलेक्स एम, वो एक्सेल और माइक्रो दोनों को कैरी करता है, एक्सेल और माइक्रो दोनों को कैरी करता है, इसलिए ध्यान रखेगा। लेकिन अगर इस तरह का फाइल आता है जिसको बोला जाता है एड इंस फाइल, क्या बोला जाता है? एड इंस फाइल। अगर अननोन सोर्स ने आपको फाइल भेजा है तो ओपन करने से पहले सोचिएगा, क्योंकि यह सिर्फ माइक्रो की कोडिंग को ही स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? माइक्रो की कोडिंग को ही स्टोर करता है। ठीक है सर, क्लियर है? तो माइक्रो शुरू करने से पहले, अब ये चीजें आपको वन टाइम ही करनी है। तीन चीजें चाहिए थी आपको, डेवलपर टैब, माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना, और किसको अनेबल करना? फाइल को सेव करना।
अब बात आती है कि जो हम माइक्रो प्रोग्रामिंग करें कहाँ, तो ये विजुअल बेसिक दिख रहा है जिसका शॉर्टकट Alt F11 है। शॉर्टकट क्या है? Alt F11। इसका मतलब इसके अगर आपके पास डेवलपर टाइम नहीं तो भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, इस तरह से शॉर्टकट के जरिए जा सकते हो, Alt F11 प्रेस करके जा सकते हो। वन सेकेंड सर। सॉरी सर, फोन आ गया था। तो इसको अल्ट एफ ओके एलेवन आप किसी एक्सेल पे, वर्ड पे, पावर पॉइंट पे, एक्सेस पे, आउटपुट पे, सब पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन होगा। क्या ओपन होगा? विजुअल बेसिक एडिटर, जिसको बोलते हैं VBE, विजुअल बेसिक एडिटर। तो उसका कुछ इस तरह से होता है। अब इसमें आप जब इसको ओपन करेंगे तो इसकी कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। पहला आता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जितने भी फाइल आपके खुले हुए हैं यहाँ पे उसका लिस्ट होता है, और उस फाइल के अंदर कितने शीट्स हैं उनके लिस्ट होते हैं। देखिए, तो जिस सीट पे आपको माइक्रो लगानी है उस सीट पर जा सकते हैं। बट माइक्रो कहाँ लगाए? क्या हम किसी सीट पे डबल क्लिक करेंगे तो माइक्रो लगेगा? इस पे भी मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज, यहाँ पे प्रॉपर्टी बार है, तो प्रॉपर्टी बार भी होनी चाहिए। जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ जो है ये चीजें, अब मान लीजिए कि चीजें सिस्टम में आपकी नहीं हुई तो कहाँ से लाएंगे? तो ए रहा, एफ कंट्रोल प्लस आर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के लिए, और प्रॉपर्टी के लिए F4। इसको व्यू से भी लाया जा सकता है। तो दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, वरना प्रोग्रामिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब आती है प्रोग्रामिंग कहाँ करें? क्या किसी सीट के ऊपर डबल क्लिक करके हम प्रोग्रामिंग करें? नहीं, किसी सीट पे डबल क्लिक करके प्रोग्रामिंग यहाँ पे करते से, मैंने यहाँ पे माइक्रो लिख दिया तो ये माइक्रो सीट 4 के अंदर ही स्टोर हो गया। अब किसी ने सीट 4 को जो डिलीट कर दिया, सीट 4 दिख रहा है, किसी ने इसको लिया और यहाँ से डिलीट कर दिया, तो आपका माइक्रो तो क्या क्या सर? इसलिए जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं मॉड्यूल्स में, तो मॉड्यूल्स कहाँ से इंसर्ट करते हैं? तो इंसर्ट, ये रहा हमारा मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स इंसर्ट करने के बाद यहाँ मॉड्यूल इंसर्ट होगा। आप कई सारे मॉड्यूल्स इंसर्ट कर सकते हैं। इस पे आता है माइक्रो टाइप कैसे करें। तो यहाँ हम लिख दिया SUB सब, या पब्लिक सब, या सब। सब मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट सब। अब यहाँ पे माइक्रो का नाम दे देते हैं, जो भी नाम देना। लेकिन ध्यान रखिए, माइक्रो का नाम देते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे टेस्ट डाल दिया, अब टेस्ट टुडे, ये माइक्रो नेम गलत है। क्यों? क्योंकि माइक्रो नेम के बीच में किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर, जैसे कि स्पेस हो गया, डैश हो गया, डॉट हो गया, स्लैश हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? अंडरस्कोर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे हमने दे दिया टेस्ट टुडे। अब यहाँ पे हम लिख दिए। अब यहाँ जो भी आपको देना है, जो भी प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अच्छा, नाम में एक चीज और दिक्कत, एक चीज और प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा सब राज 1, ये नाम भी माइक्रो का आपका गलत होता है। अब क्यों गलत होता है बताता हूँ। माइक्रो लिस्ट में आप जाएंगे, अब जैसे कि हम टेस्ट टुडे बनाया, यहाँ पे आ गया, लेकिन जैसे राज 1 पे जा रहे हैं आपका रन डीएक्टिवेट हो गया। क्यों? क्योंकि तो राज 1 नाम का रेफरेंस है। दिखा सर, आपका सेल का एड्रेस जो है वो राज 1 है। क्लियर है सर? हाँ जी, इसलिए 3 डिजिट, 3 करेक्टर, जैसे XFD हो गया, 1 2 3 हो गया, ऐसे 3 करेक्टर के नाम
और नंबर आप इसमें माइक्रोनेम में मत दीजिएगा, सर। अब इसके अंदर जो हाँ कोडिंग ये होती भी है। है वो कोडिंग करते हैं, लेकिन कोडिंग से पहले देखिए हर प्रोग्रामिंग का एक स्टेप होता है, उस स्टेप को जानते हैं। सबसे पहले आता है एनालिसिस। प्रॉब्लम को हम लोग एनालाइज करते हैं, उसका शॉर्ट तरीका निकालते हैं। फिर आता है एल्गोरिथम। हम उस प्रॉब्लम की एल्गोरिथम निकालते हैं, यानी कि उसके स्टेप्स को निकालते हैं। फिर स्टेप्स के अकॉर्डिंग कोड करते हैं, फिर हम टेस्ट करते हैं, फिर हम रिकोड करते हैं अगर किसी तरह का एरर हुआ, और फिर रीटेस्ट करते हैं। रिकोड रीटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक कि फाइनल ना हो जाए, देन अप्लाई करते हैं। तो एनालिसिस तो आपकी सोच आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एल्गोरिथम आपको एक स्टेप होता है। अब एल्गोरिथम की जरूरत क्या पड़ती है, चलिए मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे नेम बी में रोल और यहाँ पे मार्क्स लिखना है वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से। इसका इसका एल्गोरिथम क्या बनेगा, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे हम स्टार्ट, ठीक है, क्या लिखेंगे स्टार्ट। स्टार्ट मीन स्टार्ट मैंने माइक्रो डिक्लेयर कर दिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट A1, एंटर नेम, सेलेक्ट C1, एंटर रोल, सेलेक्ट C1, एंटर मार्क्स। और आप बोले सर ये क्या बच्चों वाली बात बता दिया आपने, क्या फायदा है, क्यों लिखेंगे ये सब चीजें। देखिए क्या है कि अगर आप अपने प्रॉब्लम की सोल्यूशन माइक्रो के थ्रू बना रहे हैं तो ठीक है, इसके लिए एल्गोरिथम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे स्टेप्स सारे कंडीशंस आपके दिमाग में हैं, आप यूज कर लीजिएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी और का माइक्रो बनाते हैं। जैसे किसी आपके कलीग ने बोला कि भाई मेरा एक फाइल एक और एक डैशबोर्ड है, उसको ऑटोमेट कर दो। आप ठीक है बता क्या करना है। वो बोलेगा सर मैं यहाँ फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये ओपन करता हूँ, वहाँ पे वो क्लोज करता हूँ, यहाँ पे ऐसे करता हूँ, वहाँ पे वैसे करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। समझ में आएगा सर, याद रहेगा सारी चीज़ें। अच्छा याद भी कर लिया तो स्टेप गलत हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए सेलेक्ट A1 एंटर द नेम, अगर हमने मान लीजिए सेलेक्ट A1 का कोड ना डाला, सीधे एंटर नेम डाल दिया, तो जहाँ कर्सर होगा वहीं पर नाम डाल देगा ना, A1 पे तो नेम डालेगा नहीं। तो स्टेप भी होना चाहिए ना कि पिवट लगाने से पहले हमें डेटा सेलेक्ट करना होगा। हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया, पिवट लगाया ही नहीं, तो क्या होगा, एरर दे देगा। इसलिए एल्गोरिथम बनाना जरूरी होता है, समझ गए सर। हाँ जी अब हम बात करते हैं कि हमने लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी वीवीए के बारे में। तो मैंने बताया था कि हम वीवीए में माइक्रोज बनाते हैं, हम फंक्शंस बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, यूजर फॉर्म, राइट सर। हाँ जी माइक्रो जो भी हम बना रहे थे वो इसलिए जो माइक्रो बनाए वो माइक्रो कहलाता है। फंक्शन जो हम फॉर्मूला बनाते हैं वी लुक का पेज लुक वो होता है, और यूजर फॉर्म जो हम पॉपअप बनाते हैं, जैसे कि एफएक्स पे क्लिक करने पे जो ये पॉपअप आता है, या माइक्रो पे क्लिक करने पे पॉपअप आता है, इस तरह के पॉपअप हम बनाते हैं किसकी मदद से, यूजर फॉर्म की मदद से। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हम माइक्रो बनाए तो किसके लिए बनाए, कि माइक्रो का यूज कब करेंगे। देखिए माइक्रो का यूज करने का दो सिचुएशन होता है। पहले सिचुएशन होती है वो होती है आपका रिपीटेड जॉब, मतलब ऐसा काम जो आपको बार बार करना है उसके लिए आप माइक्रो बनाओ। जैसे कोई रिपोर्ट है जो डेली बेसिस पे आपको करना पड़ता है, ठीक है सर। अब एक छोटा सा डेटा मिला है, उसमें बॉस ने बोला कि भाई मुझे मंथ बाय टोटल सेल बता दे। तो बॉस ने ये पहली बार पूछा, इन फ्यूचर में कभी पूछेगा कि नहीं पूछेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अब उसके लिए बैठ के आप मैक्रो बनाने लगेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना सर, क्या। क्योंकि माइक्रो प्रोग्रामिंग ऐसे ही बनाते हैं, उसमें सोचना होता है, उसमें कोडिंग करनी पड़ती है, कोडिंग गलत होती है उसको चेंज करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम होते हैं ना सर। तो जब मुझे कोई काम एक बार के मिले मिला है, इन फ्यूचर में पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम क्यों माइक्रो बनाए।
ओके ओके सर। सर। लेकिन एक आती है रिपीटेड जॉब, रिपीटेड जॉब, रिपीटेड जॉब तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं लेंथी जॉब की। लेंथी जॉब क्या होता है? बेसिकली लेंथी जॉब का मतलब होता है कि वन टाइम आया। जैसे मान लीजिए आपके बॉस ने आपको बोला कि भाई 2000 लोगों को अलग अलग PDF मेल कर दो। अब एक काम एक ही बार आया है, इन फ्यूचर में काम आएगा या नहीं भी आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्या है कि फाइल आपको एक चीज आपको बनानी है, समझ गया सर? तो आपको ये काम एक ही बार का है लेकिन इतना ज्यादा लेंदी है कि 1500 मेल कंपोज करने में पूरा दिन लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए मैक्रो बनाएंगे। तो दो सिचुएशन होती है, लेंदी जॉब या रिपीटेड जॉब, उसी पे हम माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। तीसरा इसमें दूसरा आता है कि माइक्रो बनाए तो किसके लिए। देखिए अगर आप ऐसे फाइल पे माइक्रो पे काम कर बना रहे हैं जो 10-20 लोगों को शेयर किया जाए, तो ऐसे फाइल पे माइक्रो बनाने के लिए मैं आपको अवॉइड करूंगा। क्यों अवॉइड करूंगा? रीजन ये है कि हर सिस्टम में आप जाएंगे तो यहाँ माइक्रो सिक्योरिटी आपका डिसेबल होता है। क्या होता है माइक्रो सिक्योरिटी? क्या होता है सर? डिसेबल डिसेबल होता है। और डिसेबल होने के कारण जैसे ही आप जो है ये करेंगे, जैसे ही उनको मेल करेंगे आपके पास फोन आने लगेंगे, यार तुम्हें फाइल में तो प्रॉब्लम है, ये तो यही नहीं हो रहा, ओपन ही नहीं हो रहा है, क्या ओपन होते ही सिक्योरिटी अलर्ट दे रहा है? क्योंकि जैसे ही पॉपअप आएगा, सिक्योरिटी वार्निंग आएगा, जो लोग डीवीएस से टैम्बलर नहीं है वो क्या बोलेंगे, यार इस फाइल में तो एरर है। समझे सर? हाँ इसलिए ऐसे फाइलों को पे वीवी यूज करना अवॉइड करें जो फाइल पब्लिकली ट्रेवल हो। ठीक है, लेकिन जो फाइल आप अपने लिए यूज कर रहे हैं उस पर धड़ल्ले से वीवी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करने से पहले आप ये डिसाइड कर लो कि ये काम रिपीटेड है या लेंदी है, या अपने देख लो कि वीवी कोडिंग करने से जल्दी हम और मैनुअल कर लेंगे तो काहे की वीवी कोडिंग करें। क्या सर? क्योंकि हम टाइम सेविंग करने के लिए वीवी कोड इस्तेमाल करते हैं ना सर, और टाइम भी सेव नहीं हो रहा है तो क्या फायदा? ठीक है सर? पहले दूसरी बात आती है किसके लिए यूज करें, ये भी डिसाइड कर लीजिए किसके लिए यूज करना है, और एल्गोरिथम के ऊपर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मोटा मोटी बीवीए की फंडामेंटल समझ में आ गई सर आप लोगों को? कोई हाँ जी दिक्कत तो नहीं है? नो चलिए अब यहां पे एक चीज और आती है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो पहला लाइन क्या ले, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो बेसिकली इसको आप यूज करो ट्रांसलेटर की तरह। ट्रांसलेटर जो आपने बनाया होगा ना, इंग्लिश टू हिंदी चाहे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसकी तरह। तो जैसे जैसे आप मैंने शुरुआत में पढ़ाया था कि वीवीए को हम लैंग्वेज की तरह पढ़ते हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना,
तो वीवीए पार्ट ऑफ स्पीच क्या करता है, क्या बताता है? एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं ये बताता है ना सर। और उसमें बताता है कि मोस्टली जो सेंटेंस हमारा है वो नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है। क्या दीपक जी? हाँ जी सर, तो इंग्लिश में मोस्टली वर्ड मोस्टली लाइन जो है वो नाउन या प्रोनाउन से, सीता गीता दिल्ली पब्लिक राज मोहन बुक कुछ भी ऐसे यूज करते हैं ना। तो सेम यहाँ वीवीए के अंदर भी जो भी लाइन स्टार्ट होती है वो मेनली चार कोड से होती है। पहला है आपका एप्लीकेशन, दूसरा है आपका वर्क बुक्स, तीसरा है सीट्स और चौथा है रेंज। तो इससे कौन कब लेंगे और डिपेंड करता है कि आप उस लाइन से कर रहे, क्योंकि एक लाइन में एक ही काम होता है। जैसे कि यहाँ देखिए सिलेक्ट A1, मतलब कि हमें A1 को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि रेंज A1.select। अब यहाँ पर रेंज क्यों डाला? क्योंकि तो हमारा एल्गोरिदम A1 को इफेक्ट कर रहा है। किसको इफेक्ट कर रहा है? A1 को। A1 क्या है? एक रेंज है। तो सेल जो होता है A1 C1 उसको रेंज कहा जाता है, सीट्स को सीट्स कहा जाता है, और फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, और पूरी एप्लीकेशन को एप्लीकेशन की जाती है, पूरी सॉफ्टवेयर को। अगर मान लो मुझे एक पर्टिकुलर शीट्स पे जाना है तो शीट्स शीट्स का नाम किस शीट पे जाना है, कि शीट 2 पे जाना है, डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट। ऐसी एक पर्टिकुलर फाइल है तो हम लिखेंगे वर्कबुक, कौन सा फाइल? तो यह है book1.xls। क्या करना है? तो यहां पे डॉट एक्टिवेट, समझे? तो यहां पे अपना ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट की डिटेल लिखनी है, और लिखना है एक्शन। क्या लिखना है? एक्शन मतलब कहां पे क्या करना है। तो ये जो हो गया पार्ट डॉट से पहले वाला वो क्या हो गया? कहां पे। और डॉट के बाद वाला क्या हो गया? क्या करना है। समझ गए सर? और पूरी प्रोग्रामिंग आपकी इन्हीं चार वर्ड के ऊपर जुड़ा हुआ है, और वन बाय वन हम इसी चीज को पढ़ेंगे और यूज करेंगे, ठीक है सर? लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें पढ़नी है, जैसे कि रिकॉर्डिंग माइक्रो, रिकॉर्डिंग माइक्रो का क्या यूज है, क्या बेनिफिट से किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको एक आर्टिकल पढ़ना होगा। तो आज जो है आपको हम एक आर्टिकल का लिंक दे रहे हैं, हालांकि मेरा आर्टिकल नहीं है, नहीं मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। शुरुआत में जब मैं 2004-5 में एक्सेल सीख रहा था तो मैंने इसका यूज किया था, इसको पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, और जितने लोगों को रिकमेंड किया है सबने इसको अच्छा ही कहा। तो ये आपके सामने दिख रहा है excel-vba.com, ठीक है? इसके लिंक मैं भेज देता हूँ, इसको ओके आप अच्छे से पढ़ ले, सर, ठीक है? और कल की क्लास में हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग माइक्रो, और रिकॉर्डिंग माइक्रो के अंदर जो कोड है उस कोड को कैसे डिलीट कैसे यूज करेंगे इनके बारे में आपको बताएंगे, ओके सर, ठीक है? हाँ जी मिलते हैं सर, कल सेम टाइम।